हे गाइस, आज है हमारा डे 9 ऑफ आर $100 डे चैलेंज। गाइस, सो आज दो चीजें हुई है, एक अच्छी एक बुरी। सो गाइस, मैं पहले आपको अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छी चीज पहले जानना चाहते हैं। सो गाइस, अच्छी खबर ये है, जैसे कि मैं अपने क्लिक बैंक के अकाउंट पे हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे, एंड गाइस जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं, जो अच्छी चीज है गाइस वो ये है कि हमारी एक और सेल आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब आप देखेंगे तो $21.64 की ये सेल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो पहले वाली सेल थी वो तो दो सेल थी, वो भी सिर्फ $8.20 की। सो गाइस, क्या हुआ है कि हमारी एक अपसेल भी की है, ठीक है। अगर मैं 12 मिनट अपने सिस्टम पे जाऊं, मैं तो एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ मार्केट प्लेस में जाके। सो जैसे कि 12 मिनट अपने सिस्टम हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, अब हम जाते हैं अफिलिएट पेज पर। अब जैसे कि आप इनका कमीशन प्लान देखोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो इनकी इनिशियल सेल है वो $9.95 की थी, जो हमारी दो बिके थे और हमें $4.10 सेल आई थी दो। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारा एक ही बिका है, एक ही कस्टमर ने लिया है $9.95 का, ठीक है, लेकिन उसने अपसेल भी लिया है जो $39 की है। सो हमें दोनों की 50-50% कमीशन मिली है, जो गाइज हुई है $21.64। सो आज का दिन काफी अच्छा था, मतलब हमने जो, जैसे कि आपको पता है हमारा ₹1000 पर डे का बजट है, एंड $21 की सेल आ गई। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, मैं आपको दिखाऊं, सो हमारी ₹1600 की सेल आ गई है। एंड गाइस, अच्छी बात ये है कि जो ये हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी, जो 12 मिनट अफिलिएट सिस्टम है वो रिकरिंग प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट इनिशियल सेल लाइक $9.95 की होती है, उसके बाद $40 से $45 ऐसे कुछ है जो रिकरिंग चार्ज करते हैं, वो कमीशन हमें हर महीने आता रहेगा। हमारे तीन कस्टमर हो गए, अगर दो भी टिकते हैं एक चला जाता है, सो हमें दोनों $40-$40 मंथली देंगे, यानी करीब हमें $20 में मंथली इन सबसे आते रहेंगे, यानी करीब ₹3000 की हमारा रिकरिंग हो गया। अगर एक को हटा दे, तीनों अगर हो जाए, तो हमें हमारा करीब 6000 का रेवेन्यू आएगा हर महीने सिर्फ दो सेल करने से। अगर जो गाइज बुरी खबर है जो हर किसी के साथ होता है, वो गाइज मेरे साथ भी हो गया है, एंड वो है गाइज हमारा एड अकाउंट डिसेबल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एड अकाउंट डिसेबल, यहाँ पे लाइफ टाइम देखो। सो आप देखोगे हमने करीब 3000 पे लगाए हैं, हमारी जो टोटल सेल है 21+8 अराउंड $30 है, करीब ₹2000 की हमने सेल करी है 3000 लगा के, लेकिन रिकरिंग प्रोडक्ट है। सो हमें करीब 6000 का हमारा पोटेंशियल रेवेन्यू है जो हमें हर महीने आ सकता है। सो हम फायदे में ही है एक तरीके से, लेकिन दिक्कत ये हो गई, हमारा एड अकाउंट बैन हो गया, जो अक्सर हर किसी के साथ हुआ है। मेरे साथ भी इन्होंने पॉलिसी वायलेशन जो हुआ है मेरे से, वो कह रहे हैं कि कुछ MLM का नहीं हुआ है, ये है कुछ हम मिसलीड कर रहे हैं, डिसेप्टिव, मतलब इसमें कुछ डाला है। एंड ये गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है इसलिए हुआ है क्योंकि US में लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फेसबुक एड्स के बारे में जानते हैं, सो एंड अफिलिएट मार्केटर्स को हम टारगेट कर रहे हैं वैसे ही मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, सो उन्होंने हमारी एड एज ए स्पैम में डाली होगी, जहाँ तक हो सकता है स्पैम में डाली होगी, इस वजह से ये हुआ है, क्योंकि हमारी एड में जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। सो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? क्या मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, जो मैंने फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल की बताई थी, कि ऐसा अक्सर होता रहता है फेसबुक के, जहाँ प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट्स भी है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब फेसबुक ने हमारा डोमेन ब्लैक लिस्टेड कर दिया होगा affiliate12minutes.com, सो हमें एक नया डोमेन लेना होगा, फिर दोबारा से हम ऐड चला सकते हैं। लेकिन अब मेरा मन नहीं है गाइस, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी और एक एडवांस टेक्निक बताऊँ। अभी यहाँ से हम प्रॉफिट में, लेकिन इतने भी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं कि हम 5x ROI आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, ज़्यादा ROI नहीं है, इतनी भी कन्वर्टिंग ऐड नहीं है जो हमारी ऐड थी, और ये ऐड चलाने में दोबारा रिस्क है। सो इसको अगर मैं चाहूँ तो कैमताजिया में दोबारा, मतलब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में दोबारा थोड़ी बहुत एडिट करके दोबारा चला सकता हूँ दूसरे नए ऐड अकाउंट में। सिंपली मुझे एक डोमेन नया लेना है, वो कार्ड नया यूज़ करना है, वो मैं दोबारा ऐड चला सकता हूँ, दोबारा मुझे ये स्टैट्स मिलने लग जाएंगे, ये अच्छा लिंक क्लिक किया ऐड का था, सब कुछ अच्छा था। सो मैं दोबारा से ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, कि मेरा पूरा बिजनेस मैनेजर डिसेबल नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ है, वो मेरे पास तो बिजनेस मैनेजर का ही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एड्स मैनेजर एकदम सही काम कर रहा है, ये वाला हमारा डिसेबल हुआ जिसमें हम अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे। सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं, इसी बिजनेस मैनेजर में प्रमोट करना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं न्यू डोमेन लेके। लेकिन मैं अब दो चीज़ें करूँगा, सबसे पहला जो अभी मैं करूँगा जो आप सबको करना चाहिए वो है गाइस डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई से मेरा क्या मतलब है गाइस, जो पेड एड्स है ना गाइस, हमेशा आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए पेड एड्स में, कभी एक ट्रैफिक सोर्स ना यूज करें, जैसे कि भले ऑर्गेनिक कर रहे हो पेड कर रहे हो, सिर्फ अगर मान लीजिए मैं पेड कर रहा हूँ फेसबुक ऐड, जैसे कि मान लीजिए मैं, मुझे डेली की $1000-1000 की अर्निंग हो रही होती सिर्फ फेसबुक ऐड से, और मेरा ऐड अकाउंट से डिसेबल हो जाता,
मेरा तो पूरा बिजनेस ही चौपट हो जाता है ना। सो इसलिए वॉरेन बफेट का एक क्वोट भी है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो इस वजह से हमें डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। सो हमें दो तीन तरह की पेड एड्स यूज करनी चाहिए, जो मैंने नहीं करी मैंने आपको दिखाने के लिए। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं गूगल एड्स बना लूंगा, सेम वही शॉर्ट क्लिप जो हमारी थी ये यूज करूंगी, कन्वर्टिंग है, यूट्यूब पर भी कन्वर्ट करेगी, सेम यही यूज करूंगा, ठीक है। गूगल पे मैंने पहले से एक ऐड अकाउंट बना रखा है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो बनाना बिल्कुल आसान है। ads.google पे जाइए और अपना गूगल का एड्स मैनेजर सेटअप कर लीजिए, ठीक है, गूगल का एड्स अकाउंट आप कह सकते हो। सो यहाँ मैंने पहले से सेटअप कर रखा है। एक आईडी से आप मल्टीपल एड्स मैनेजर बना सकते हो, एड्स अकाउंट बना सकते हो। सो यहाँ पे हमारा रेडी है, अभी हम कोई ऐड रन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू कैंपेन बना लेंगे हम ऐड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आए कैसे गूगल एड्स बनाते हैं। सो अभी हम सिंपली इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, और आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं यही सेम एड्स जो है अभी वो दोबारा चलाऊँ, सेम एड्स सेम यही करके दोबारा नए एड्स मैनेजर में आपको चला के दिखाऊँ कैसे यही एड दोबारा चल जाती है और लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। कि मैं इनको रिक्वेस्ट नहीं करूँगा रिव्यू के लिए, ये 24 से 48 घंटे खा जाएंगे और हो सकता है चालू करें 50-50% चांस है। तो मैं नया एड्स मैनेजर ही बना लूँगा और दोबारा से एड्स चला दूँ। आप ये चाहते हैं मेरे से ऑप्शन वन, या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक नई, और क्योंकि आपने देख लिया कन्वर्ट करती है, जैसे कि आपने देख लिया मेरी स्ट्रेटजी भी कन्वर्ट कर रही है, मुझे सेल आ गए हैं काफ़ी अच्छी, आरओआई भी बुरा नहीं है, सही आरओआई आया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो मैं आरओआई सही आया है, अब मैं चाहूँ तो दूसरे मल्टीपल एड लाइक मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बना के अपने दोस्तों की एड से मल्टीपल यही सेम एड्स अलग अलग तरीके की शॉर्ट क्लिप, थोड़ी सी चेंज इधर, मतलब कुछ 30 सेकंड की कुछ 20 सेकंड की सेम ये ऐड रहेगी, ठीक है। मल्टीपल बिजनेस मैनेजर से मल्टीपल एड्स मैनेजर में ये ऐड चलाऊं मैं, ताकि अगर एक ऐड अकाउंट डिसेबल भी हो जाए दूसरा रहे तीसरा रहे। सो अलग अलग जगह से मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट पे सेम ऐड है। सो आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, वो भी मैं आपको करके दिखा सकता हूं जो मैं करता है, क्योंकि मैं एक एड्स मैनेजर के भरोसे नहीं रहता, जैसे अभी हुआ है डिसेबल हो गया, ठीक है। कभी होता है कि हाथ क्या डिसेबल हो जाए, कभी 2-3 दिन में, कभी चलता ही रहता है। सो ये फेसबुक में ऐसा चलता ही रहता है, हम कुछ कर नहीं सकते, उनका सपोर्ट भी बिल्कुल बुरा है। वहीं गूगल एड्स में थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन इनके ऐड बहुत कम, मतलब ऐड अकाउंट बहुत कम बैन होते हैं, ऐड ही डिसअप्रूव होती है, वो भी बहुत कम चांस में। सो आप ये चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी, या मैं सोच रहा हूँ कि आपको एडवांस फेसबुक की स्ट्रेटजी बताऊँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, अभी तो मैंने क्लिप बनाई है, अभी मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा हुक स्टोरी ऑफर से, मैं एक ऐड बनाऊंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, हुक डालूंगा, एक स्टोरी होगा, एक ऑफर होगा, ऑफर बेसिकली साइट पे जाइए, ईमेल दीजिए। सो अब मैं एक स्क्रिप्ट लिख के, मैं fiverr.com पे जाके मैं यहाँ पे एक स्पोक्स पर्सन को हायर कर सकता हूँ, स्पोक्स पर्सन किसी को हायर कर लूंगा जो मेरी स्क्रिप्ट को बोलेंगे अपने एक्सेंट में। सो गाइस ये स्पोक्स पर्सन वाली एड से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सो आपको मैं ये ऐड बना के दिखा सकता हूँ, बताएं मुझे आपको स्पोक्स पर्सन वाली एड देखनी है या आपको वॉइस ओवर वाली देखनी है। एक वॉइस ओवर वाली एड होती है, एक वॉइस ओवर होगा सिंपली, ठीक है, और उसके साथ मैं एनिमेशन डाल दूंगा, एनिमेशन मैं खुद ही बना लेता हूँ वीडियो स्क्राइब से, वीडियो स्क्राइब वाले भी होंगे, वैसे ये तो मैं खुद ही बनाता हूँ, लेकिन आप ये भी आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे वीडियो स्क्राइब पे वीडियो चलती जाएगी एनिमेशन की और पीछे से वॉइस ओवर आते जाएगा। दो तरीके ऐड बनाता हूँ मैं, आप बताएं आपको कौन सी ऐड देखने में इंटरेस्ट है, मैं वो ऐड बनवाऊंगा यहाँ से, करीब 24-48 घंटे लेंगे ऐड बनने में, वो ऐड बनवा के और मैं दोबारा से फेसबुक का नया एड्स मैनेजर बना के उस ऐड वो ऐड चलाऊंगा, ठीक है, 12 मिनट अफिलिएट सिस्टम के लिए, वो उस पर देखेगा आपको कितना अच्छा CPC आता है और भी ज़्यादा कन्वर्जन आती है, मैं 500 लगाऊंगा 1000 कमाऊंगा, मतलब ज़्यादा अच्छा आरओआई आएगा कि इतनी मेहनत कोई नहीं करता, ठीक है, हर कोई ऐसी क्लिप बना लेता है, या फिर जो सबसे जो आसान लोग करते हैं मेहनत वो क्या करते हैं, जो कोर्स के ओनर होते हैं, जो अफिलिएट प्रोडक्ट के ओनर होते हैं उनकी एड्स उठा लेते हैं, वही चलाते हैं, ठीक है, अच्छा उनका सबसे जो सबसे बिगिनर होते हैं वो करते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं ऐसी क्लिप्स बना लेते हैं जैसी मैंने बनाई, जो एडवांस होते हैं वो एड्स बनवाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फाइवर पे जाके एड्स बनवा लूंगा मैं, एनिमेशन वाली है, स्पोक्स पर्सन वाली स्क्रिप्ट मैं अपनी लिखूंगा अपने एक्सपीरियंस से। सो आप चाहते हैं कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी ऐड देखना चाहते हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो मैं शॉर्ट क्लिप वाली ऐड दोबारा से चलाऊं नए एड्स मैनेजर में, मैं क्या करूंगा आपकी बार, लेकिन मैं एक एड्स मैनेजर नहीं चलाऊंगा, मेरे पास दूसरे बिजनेस मैनेजर भी हैं, 3 बिजनेस मैनेजर है मेरे पास टोटल, वैसे 5 है, 3 बिजनेस मैनेजर में मैं चला के दिखाऊंगा, इस 3 एड्स मैनेजर बनाऊंगा सब में एक एक, और ये सेम एड्स चलाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्विक करके हर ऐड को, ट्विक का मतलब मेरा क्या है, मतलब कुछ हिस्से कुछ फ्रेम्स वीडियो में से काट दूंगा ताकि हर सारी आइडेंटिकल ना लगे, तो अलग अलग हो थोड़ी, हम ऐसे डिफरेंट एड्स मैनेजर में सेम एड्स चला के ट्रैफिक ला सकते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, सो ये ऐड मैं चला सकता हूँ, या जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं एक स्पोक्स पर्सन वाली ऐड बना सकता हूँ, उसके लिए मैं सेम करूंगा, डिफरेंट एड्स मैनेजर बनाऊंगा डिफरेंट बिजनेस मैनेजर्स में,
और एड चलाऊंगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं वीडियो स्क्राइब वाली एड चला सकता हूँ, जो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। स्पोक्स पर्सन वाले की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, वीडियो स्क्राइब वाले की कम कॉस्ट पड़ती है। वॉइस ओवर चाहिए होता है सिर्फ, हमें वीडियो स्क्राइब खुद बना सकते हैं, वो भी आउटसोर्स कर सकते हो फाइवर पे, अपवर्क पे। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप बताइए आपको तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी देखनी है। सो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं फिलहाल मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है। मुझे मेरे पास एक कन्वर्टिंग ऐड है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूब पे ऐड चला दूंगा, ठीक है। हमारा बेसिक गोल तो हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक चाहे फेसबुक से लो यूट्यूब से। यूट्यूब पे क्या पता अभी हमें लग रहा है कि फेसबुक पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, 10 रुपये का हमारा CPC आ रहा है फेसबुक पे, क्या पता गूगल पे और भी कम आए, हो सकता है ज़्यादा है। सो हमें देखना होगा। फेसबुक की ऐड मैं आज नहीं चला रहा। आप मुझे बताइए आपको कौन सी स्ट्रेटजी देखनी है, उस हिसाब से मैं कल जो हमारा डेट 10 होगा उस पर मैं नई फेसबुक ऐड बनाऊंगा। सो आप बताएं मुझे आपको तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी देखनी है, जो सेम क्लिप की शॉर्ट क्लिप है उसी की ऐड चलाऊं, या आपको स्पोक्स पर्सन वाली ऐड देखनी है, या आपको वीडियो स्क्राइब वाली ऐड देखनी है एनिमेशन वाली। सो आप मुझे बताइए। मैं यहाँ पे गोल रख रहा हूँ फिर से ट्रैफिक, जो हमारी वीडियो ऐड होने वाली है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम मैक्सिमम कन्वर्जेंस रखेंगे। यहाँ पे जो CPA दिख रहा है आपको टारगेट CPA, इसका मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी चाहिए। हम ये स्ट्रेटजी अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम मैक्सिमम कन्वर्जन रखना है। डेली बेट इसका भी हम 500 रख लेंगे। कंट्री हम डाल देंगे, कंट्री पहले से यहाँ डली हुई है, ये पहले से डिफॉल्ट पे आ गई है। सो हमें 4 Tier 1 कंट्रीज टारगेट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज रखेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे किसी को भी। एंड यहाँ हम डेमोग्राफिक में, जैसे कि हमने फेसबुक पर करा था, हमें 18 से लेकर 45 की एज को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम 20 से नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेसिफिक होता है 18 से 24 को करो। सो हमें ऐसे करना होगा, जेंडर को हम नहीं छेड़ेंगे। ऑडियंस में भी हम, ये टारगेटिंग आ गई है, जैसे फेसबुक में टारगेटिंग होती है, यहाँ पे चार तरह की टारगेटिंग होती है। ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करा हो, आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर, यूट्यूब वीडियो देखी हो, ठीक है। सो ऐसे आप ऑडियंस को, अभी इसलिए हमें काम नहीं, ऑडियंस का हम कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ये सारे कीवर्ड्स हो गए। अफिलिएट, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग सर्च करते हैं एंड क्लिकबैंक सर्च करते हैं, ये सारे कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं। सो हम कीवर्ड्स कैसे ढूंढेंगे, कीवर्ड ढूंढना काफ़ी सिंपल है। आप आ जाइए कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। कीवर्ड प्लानर पे आके आप सिंपली एक जो आपकी नीश का टर्म है, जो प्रोडक्ट का सॉरी टर्म डालो तो टर्म है वो लिख दीजिए। सो हम ऐसा अपना जो हमारा प्रोडक्ट का बेसिक जो कीवर्ड होगा वो डाल देंगे, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो हमने डाल दिया गेट रिजल्ट्स, सो ये हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो गाइज ये सारे टर्म है, हम ये सारे टर्म्स उठा लेंगे जो हमें लगता है अफिलिएट मार्केटिंग सही है, ठीक है। फ्लिपकार्ट अफिलिएट ये वैलिड नहीं है Tier 1 कंट्रीज के लिए। अमेजोन अफिलिएट ये ठीक है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं, जो लोग अमेजोन अफिलिएट को सर्च करते हैं। CPA मार्केटिंग भी अफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म है, ये ले लिया हमने। अफिलिएट नेटवर्क्स, जैसे कि हमने लिया था ये फेसबुक पर भी अफिलिएट नेटवर्क्स, ठीक है। क्लिक बैंक भी ले लेंगे, एक जो लोग क्लिक बैंक सर्च करते हैं। जैसे क्लिक बैंक फॉर बिगिनर्स, ये सारे टर्म्स हैं। लेकिन मैं ऐसे अभी आपको स्ट्रेटजी बताने वाला, जिससे आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। जो मेन कीवर्ड डाल दीजिए, उससे जो प्लस होगी क्लिक बैंक प्लस जो भी कोई लिखे क्लिक बैंक फॉर बिगिनर, क्लिक बैंक ट्यूटोरियल्स, आपकी ऐड शो होगी, ठीक है यूट्यूब पे। सो मैंने यहाँ पे 5 अभी फिलहाल मेन कीवर्ड्स ले लिए हैं, ठीक है गाइस। अभी हमें 5 कीवर्ड्स लेके हम एक टूल सर्च करेंगे एडवर्ड। अभी जैसे जैसे हमारे ये कैंपेन हम स्टार्ट कर देंगे, फिलहाल हम देखते हैं हमारी ऐड अप्रूव होती है नहीं होती है। वो कैंपेन स्टार्ट होने के बाद गाइस हम और कीवर्ड्स ऐड करेंगे, फिलहाल हम मेन 5 कीवर्ड ऐड कर रहे हैं। और ये हमारा टूल है एडवर्ड रैपर्स, यहाँ पे हम कीवर्ड्स डाल देंगे रैप कीवर्ड्स। एंड जैसे कि आप देखेंगे तो गूगल एड्स में बेसिकली 3 तरीके के आप कीवर्ड्स से टारगेटिंग कर सकते हो। बेसिकली सबसे पहला होता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में क्या होता है, जो कोई सिर्फ अफिलिएट भी लिखेगा तो भी आपकी ऐड शो होगी, सिर्फ मार्केटिंग लिखेगा तो भी आपकी ऐड शो होगी। सो ये अच्छा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग हो जाती है। सो हम ये कोई भी यूज़ नहीं करता, जो बिगिनर्स हैं बहुत ही ज़्यादा जिन्हें कुछ नहीं पता गूगल एड्स के बारे में वो यूज़ करते हैं, सो आप ये ना करें। दूसरा होता है प्लस ब्रॉड मॉडिफायर, इसको आई थिंक बोलते हैं। सो ये मैं यूज़ करता हूँ, इससे क्या होता है गाइस, मुझे नाम नहीं पता मुझे, लेकिन काम ज़्यादा पता है जो काम करते हैं कीवर्ड्स। सो जो प्लस ब्रॉड मॉडिफायर होता है ये क्या होता है गाइस, इसमें प्लस लग जाता है आगे बीच, ठीक है, ये प्लस लग गया। अब इस कीवर्ड से क्या होता है, जो कोई अफिलिएट मार्केटिंग लिखेगा जब ही ऐड शो होगी, दोनों मिलके लिखेंगे, ठीक है, या अगर आगे पीछे भी होगा, ठीक है। सो ये अच्छा होता है प्लस ब्रॉड मॉडिफायर का, सो ये फायदा। और फ्रेज मैच का, ये फ्रेज मैच बोलते हैं इसको, जब कोई एग्जैक्ट फ्रेज लिखेगा ये अफिलिएट मार्केटिंग जब शो होगी, और ये एग्जैक्ट मैच है, 4 तरीके के हो गए है ना, एक ब्रॉड हो गया ब्रॉड मैच, दूसरा प्लस ब्रॉड मॉडिफायर,
तीसरा फ्रेज हो गया, चौथा एग्जैक्ट मैच हो गया। सो हम ये यूज करते हैं, ब्रॉड को छोड़ते हैं, बाकी ये सारे यूज करते हैं। अब सिंपली इनको कॉपी कर लीजिए और जो यहाँ पे आपके कीवर्ड से यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, हमने डाल दिए और अभी दूसरी टारगेटिंग हम नहीं करेंगे। अब हम एक चीज करेंगे, हम यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब पे आने के बाद जो हमारी वीडियो है, सो गाइज ये हमारी एड है, हम इस एड को यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो कुछ भी मैं डाल देता हूँ नेम, नेक्स्ट मोनेटाइजेशन ऑफ, आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मेरे मारे क्यों मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखिए और ये वीडियो की लिंक है इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसे यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ये सेव। अभी हमारी वीडियो यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब हम क्या जाए क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे वीडियो अपनी पेस्ट कर देंगे। तो वीडियो हमारी पेस्ट हो गई, अपनी URL डाल देंगे जो हमारा URL थी, हमने URL डाल दी। डिस्प्ले URL में हम ये रख लेंगे खाली affiliate 12 मिनट, कॉल टू एक्शन लर्न मोर, हेडलाइन में मैं राहुल बनूंगी रख देता हूँ सर। सो हमारी एड बन गई है, हम इसको सेव कर लेंगे। सो हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे कंटिन्यू टू कैंपेन क्रिएशन, और ये हमारा कैंपेन बन गया है गाइस, वीडियो कैंपेन कैंपेन, और ये हमारा कैंपेन रेडी है। मैंने पहले भी एक बनाया था, ठीक है, लेकिन उसे मैंने बंद कर दिया था। सो अब हम इसको देखेंगे, इसके अंदर जाएंगे हम, ये हमारा एक ऐड ग्रुप आ रहा है, ये हम कीवर्ड्स लिख देंगे इस ऐड ग्रुप पे क्योंकि हम इस ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं। गाइस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है गूगल एड्स ये कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, कैंपेन हम कैंपेन में जा रहे हैं, ऐड ग्रुप, ये ऐड सेट्स क्या है, सो गाइस मेरा कोर्स है एफिलिएट सीक्रेट्स, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि गूगल एड्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप, कैसे सारी चीज़ें काम करती है, कैसे गूगल एड्स काम करती है, वो बिल्कुल कैसे आप ऐड बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ क्योंकि वरना गूगल एड्स का कोर्स बन जाएगा, लेकिन हमारा गोल गूगल एड्स सिखाना नहीं है। सो मैं आपको बेसिकली शॉर्ट में बना के दिखा रहा हूँ, या तो आप कोर्स लीजिए या आप यूट्यूब पे जाइए, सिंपली सर्च कीजिए गूगल एड्स ट्यूटोरियल, गूगल एड्स कोर्स, फ्री कोर्स। सो आप सीख लीजिए थोड़ी सी, फिर आप ये देखिए आपको समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ कीवर्ड्स का बना लिए, कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं साइड ग्रुप में, हमारी एड ये शो हो रही, अभी एड हमारी अंडर रिव्यू है, थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगी, 24 घंटे लगते हैं, फिर हमें इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम एक और चीज़ करेंगे, अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, अब हम थोड़े प्लेसमेंट्स को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे यहीं, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग नहीं, मैं आपको कोई डिश बनाना सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये डालिए थोड़ा सा वो डालिए। सो अभी आप देखिए ये फिनिश हो चुका है। सो हैशटैग 2 आ गया, इस पर हम प्लेसमेंट लिख देंगे। ठीक है, इसको प्लेसमेंट नेम दे देंगे। अब हम इस एड ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, यहाँ हमारी ऐड है, अब हम इस ऐड ग्रुप के अंदर है, आप देख सकते हो। अब हम जाएंगे कीवर्ड्स पे, ये सारे कीवर्ड्स हम बंद कर देंगे क्योंकि इस ऐड ग्रुप में हमें कीवर्ड्स टारगेट नहीं करने। ये शॉर्ट मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वरना हमें दोबारा से पूरा ऐड ग्रुप बनाना पड़ता है, सब ऐड बनानी पड़ती है, इसलिए ये शॉर्ट ग्रुप है, शॉर्ट तरीका ही है, शॉर्टकट। सो हमारे कीवर्ड्स हट गए, हम आ जाएंगे प्लेसमेंट पे, प्लेसमेंट पे हम प्लेसमेंट डाल देंगे इस ऐड ग्रुप में, हम टर्म लिखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, उससे रिलेटेड हमारे पास चैनल्स आ जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स, ये सारे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड चैनल हैं। आप देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्ड योर ओन डेली विद एफिलिएट मार्केटिंग, ये भी सही है। जॉन क्रिस्टानी, इनका प्रोडक्ट है, अगर आपको एफिलिएट प्रोडक्ट, क्लिक बैंक पे बहुत फेमस है, सुपर एफिलिएट्स, $500 कमीशन है उसकी, सो काफ़ी ग्रेट प्रोडक्ट है, भी काफ़ी अच्छे एफिलिएट मार्केटर, इनको जरूर टारगेट करेंगे। सो गाइस हमने इन सारे यूट्यूब चैनल्स को टारगेट कर लिया है, आप और को कर सकते हैं, और चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं। अभी हम इन चैनल्स को रखते हैं और सेव कर लेंगे एंड ये हमारे गाइस प्लेसमेंट हो गई। सो हमारे दो ऐड ग्रुप हो चुके हैं, एक में हम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, एक में हम प्लेसमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एक और हम बना लेते हैं ऐड ग्रुप जिसमें हम टारगेट करेंगे टॉपिक्स को। सो हम फिर से कॉपी करेंगे इसको और फिर से हम पेस्ट करेंगे इसको, दोबारा से थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ी सी मिर्च डालिए एंड 10 मिनट तक इसको पकने दीजिए। ठीक है, सो ये पक रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके ओके, स्टिल अपडेटिंग, दिस कैन टेक अ फ्यू मिनट्स, ओके। और इस पे हम टॉपिक्स लिख देंगे।
सो हम दोबारा से हम टॉपिक्स के ऐड ग्रुप के अंदर आएंगे, हम प्लेसमेंट में जाएंगे, क्योंकि तो हमने प्लेसमेंट की कॉपी बनाई है, और हम सारी प्लेसमेंट्स को बंद कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे। रिमूव हो रहा है, 10 मिनट पकने दीजिए, ये सारी प्लेसमेंट्स रिमूव हो गई। अब हम आ जाएंगे टॉपिक्स में, ये आ रहा टॉपिक्स, हम टॉपिक्स ऐड कर देंगे इसमें। टॉपिक्स हम सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग लिखेंगे, एंड जो हमें टॉपिक्स अच्छे लगेंगे वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जो ईमेल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग में, नहीं डायरेक्ट मेल मार्केटिंग से नहीं, ईमेल मार्केटिंग, जो लोग अफिलिएट प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो तीन टॉपिक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड वी आर गुड टू गो। ओके, सो ये हमारे तीन एड ग्रुप्स बन गए, जिसमें हमने एक में हमने टॉपिक्स को टारगेट करा, एक में प्लेसमेंट्स को, एक में कीवर्ड्स को। एंड जो हमारा कैंपेन है, ये हमारा कैंपेन है, हमने इसका बजट रखा है 500 रुपीज़, फेसबुक से कम है, लेकिन हम टेस्ट करते हैं कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और देखते हैं। कल मिलते हैं गाइस, देखते हैं गूगल एड्स के रिजल्ट कैसे आए, क्या CPC ज़्यादा आया फेसबुक एड्स से या कम आया, सेल कुछ आई या नहीं है, क्या पता यूट्यूब से पहले दिन पे सेल आ जाए, सो कुछ नहीं पता कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा कन्वर्ट करे हमारे लिए। एंड गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको फेसबुक की कौन सी स्ट्रेटजी देखनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे जो पहला है वो है गाइस जो दोबारा शॉर्ट क्लिप है, उसी को मैं दोबारा एडवर्टाइज करूँगा, क्योंकि आपको कहीं ना लगे कहीं मेरी ऐड में प्रॉब्लम थी, वो हो जाता है, ठीक है। सो उसी को मैं दोबारा चला के दिखा सकता हूँ और उससे भी अर्निंग करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं $100 तो गाइस उसी एक ऐड से आपको करके दिखा दूँ, लेकिन मेरा गोल सिर्फ आपको लाइक एक चीज़ से करके दिखाना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो मुझे मेरा अकाउंट बैन हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी है, आपको गूगल एड्स भी सिखा दूँ इस चैलेंज में, गूगल एड्स से भी पैसे कमा के दिखा दूँ। सो इसलिए मैंने गूगल ऐड भी बना दी। एंड आपको मैं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ शॉर्ट क्लिप से अर्निंग करके दिखा सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो मैं एडवांस स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, फाइवर से मैं स्पोक्स पर्सन हायर करता हूँ, लाइक एनिमेशन वाली एड्स चलाता हूँ, सो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो भी सिखाऊँ इस चैलेंज में। सो आप बताइए मुझे आपको कौन सी एड देखने में इंटरेस्ट है, शॉर्ट क्लिप वाली, एनिमेशन वाली, स्पोक्स पर्सन वाली, कमेंट में गाइस मेरे को बता दीजिए। एंड गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।